बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ के कब्रिस्तान के मुतवली साहब का बेटा हूँ। हमारे दादा बा मुतवली थे और हमारे वाली साहब मुतवली है, अब हमारे भाई मुतवली है। ये हम इसके ऊपर मुद्दा उठा रहे कि ये कब्रिस्तान की कदीम बोली है। ये बोली को हमारे नवाब साहब जो है तायब अली नवाब साहब, उन्होंने बता रहे कि ये इनकी बोली है, ओन प्रॉपर्टी है मेरी। बल्कि बोल रहे कि हम ये दावा करें कि ये वक्त प्रॉपर्टी है, कुतुब शाही के ज़माने की बोली है, ये कदीम बोली है, खूबसूरत बोली है। आप जाके जायज़ा कर सकते बोली का हमारी। इसके अलावा भी हम वक्फ बोर्ड में जाके गुजारिश करें कि ये बोली को ऐसा कर रहे, ढाप देने की कोशिश करे, कचरा पट्टी डाल दे रहे, उसके ऊपर जो मकाना बना दिए 1000 गज जो ज़मीन है, आजूक जो बाजूक उसके पूरे इधर साइड मलगियाँ डाल दिए, उधर साइड कमरे बना दिए, उधर साइड कारखाने डाल दिए, डाल दे के क्या है बोली को बंद करने की पूरी साजिश लगी हुई है। तो हम कल न्यूज़ में इसलिए डाले कि ये बोली में तो पाया भर रहे थे वो लोग, खुदम खादी का जो दीवारा बना के हदबंदी करा लेने वाले थे हमारे कब्रिस्तान की बोली को। तो वो हम क्या करें, सलीम साहब चेयरमैन साहब को वक्फ बोर्ड गए कंप्लेंट करे, वहाँ से फिर इधर आए तो आके वो लोग जायज़ा करके गए बोली का। अभी काम तो कुछ भी नहीं कर रहे बोली का। कितने साल पुरानी बोली है ये? 400-500 साल से ज़्यादा है पुरानी। अभी उसके जो सीढ़ियाँ आप खोदे गए, आप बता रहे तो कितने सीढ़ियाँ निकले और उसके अभी हम यहाँ से जब उन्होंने ये खोदम खादी का जो काम कर रहे थे उन्होंने, तो हम बताए कि यहाँ से सीढ़ियाँ हैं कब्रिस्तान की बोली, ये इंटरेस्ट कब्रिस्तान को है, ये बोली कब्रिस्तान की है। बल्कि बोला मैं, बोलने के बाद उन्होंने बोले नहीं, ये ओन प्रॉपर्टी है मेरी, ये कब्रिस्तान की नहीं होती, बल्कि उन्होंने बोले। तो उस वजह से वो सीढ़ियाँ निकाले, हम सीढ़ियाँ निकाल के बताए हम। तो अभी जब वो कुछ काम करने गए तो अभी कुछ बोली को नुकसान करे? नहीं, बोली को तो नुकसान नहीं कर रहे, उन्होंने फेंसिंग करा ले रहे बोली को। अच्छा, दीवार उठा रहे? दीवार उठा ले रहे। ये भी खबर है ना? अल्लाह अकबर, कदीम खबर है। खबर है पूरी, जिसको दफन कर दिया जाएगा बच्चे।